जब भी किसी भी बैंक से लोन लेने की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल लोन सबसे पसंद किया जाने वाला लोन होता है और जो बाकी के लोन होते हैं वो थोड़े से कम पसंद किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा बैंक जो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, कौन से सरकारी बैंक है, वो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें पर्सनल लोन दे रहे हैं और उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें क्या लगने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पहले जानेंगे पर्सनल लोन और बाकी के लोन में डिफरेंस क्या है। तो पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है कि अगर हम किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक हमसे ये नहीं पूछता कि आप इसे कहाँ खर्च करने वाले हो। हम इससे हमारे घर का मेंटेनेंस, हम घर में फर्नीचर बना सकते हैं। अगर हम लोन की अमाउंट बड़ी हो तो हम इससे कार खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं, हमारी जिधर मर्जी हो हम इसे खर्च कर सकते हैं। इसके लिए बैंक के तरफ से हमें नहीं पूछा जाता कि आप इसे एक ही जगह पे खर्च करो या एक ही चीज़ के लिए आप इसे खर्च करें, तो ऐसा बैंक के तरफ से हमें नहीं बोला जाता। और जो बाकी के लोन होते हैं जैसे होम लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया या फोर व्हीलर लोन हो गया, तो ये जो लोन होते हैं वो हमने किसी ना किसी पर्पज़ के लिए बैंक से लिए होते हैं। अगर हमने होम लोन लेके रखा है तो हमें वो घर खरीदने के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने टू व्हीलर लोन लेके रखा है या फोर व्हीलर लोन लेके रखा है तो हम वही चीज़ खरीदने के लिए हम उसे वो जो पैसा होता है हम वही चीज़ उससे खरीद सकते हैं। और जो पर्सनल लोन होता है इसे हम हमारे मर्ज़ी से कहीं भी हम वह उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या हम हमारे मर्ज़ी से जो चीज़ हमें खरीदनी है हम उससे खरीद सकते हैं। तो ये अच्छा बेनिफिट होता है पर्सनल लोन का। तो अगर चले बात करते हैं कि कौन सा बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है वो सबसे सस्ता हमें पर्सनल लोन दे रहा है और उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 बैंक जो गवर्नमेंट के हैं, जो सरकारी बैंक है, उनके नाम भी जानेंगे और उनके जो पर्सनल लोन जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने वाला जो बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें 8.90 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे हमारे पर्सनल लोन पे ब्याज लगता है। दूसरे नंबर पे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमें 8.90, ये भी यहाँ पे सेम ही आता है बैंक ऑफ इंडिया की तरह, यहाँ पे हमें 8.90 का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तीसरे नंबर पे आता है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे हमें 8.95 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। चौथे नंबर पे आता है इंडियन बैंक, यहाँ पे हमें 9.05 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। पांचवे नंबर पे आता है पंजाब और सिंध बैंक, यहाँ पे हमें 9.50 का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9.5% से यहाँ पे इस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। छठे नंबर पर आता है IDBI बैंक, तो इस बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये वो 9.50 का है, 9.5% का है। तो सातवें नंबर पे आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है 9.55। चलिए आठवें नंबर की बात करेंगे, तो आठवें नंबर पे आता है SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9.60 का। नौवें नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे 10.05 का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बैंक से लगाया जाता है पर्सनल लोन के लिए। और जो लास्ट आता है यूको बैंक, जो 10वें नंबर पे उस पर जो पर्सनल लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो है 10.05 का। तो हमने ये देखे गवर्नमेंट के जो 10 बैंक थे जो सरकारी बैंक थे, तो उसमें जो सबसे सस्ता सबसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस बैंक का है वो है बैंक ऑफ इंडिया। और एक बात, अगर आप जब भी पर्सनल लोन ले रहे हो तो आप हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप का जो लोन अमाउंट है वो अगर लंबा हो तो आप जिस बैंक का आपको पर्सनल लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है आप वही बैंक से पर्सनल लोन ले। जब भी हम अमाउंट काफ़ी बड़ा लेते हैं तो हमारा जो EMI होता है वो काफ़ी दिन चलने वाला होता है, और उसमें अगर 1% का या 0.5% का भी वहाँ पे अगर प्लस हो जाए तो हमारे जो EMI है वो उसका जो अमाउंट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी पर्सनल लोन ले तो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला ही लोन चुने, तो इससे आगे जाके हमें भी फ़ायदा हो और हमारा जो EMI है वो भी टाइम टू टाइम पे हो। और आपके किसी दोस्त को
पर्सनल लोन लेना हो या वो सोच रहा हो या आपको लेना हो, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि उसको भी पता चले कि अभी जो सरकारी गवर्नमेंट बैंक है उसमें हमें कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे पर्सनल लोन मिल रहा है, तो उसका वो फ़ायदा भी उठा सके। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी